खवातीन है जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कारकुनान है वो परवेज अलई साहब के बारे में कुछ कह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप इधर ही थी जब ये आज ऑपरेशन हुआ? जी हम इधर नहीं थे, लेकिन हमें आया नहीं जाने दिया नहीं जा रहा था। यहाँ पे पैदल भी आ नहीं सक रहे थे, जो यहाँ पे थे उनको पकड़ के लेके जा रहे थे, ठीक है। और हम पहुँचे हैं जब उन्होंने ऑपरेशन ख़त्म किया है, और ये लीडरशिप अब पहुँच रही है। ये चौधरी परवेज अलई साहब जी ये अब आए हैं, जब ऑपरेशन हो रहा था ये यहाँ पे गुलबर्ग में इनका घर है, ठीक है। वहाँ से गाड़ी में 5 मिनट का रास्ता, हम कहाँ कहाँ से आ गए। ये लीडरशिप, ये ओहदा नहीं है, ओहदा नहीं है, ये क्या है ओहदा? ये तो वजीर अला पंजाब बनाया था आप लोगों ने। नहीं, ये जो बातें कर रहे हैं लोग दूसरे, क्यों नहीं हक, हमें भी हक है। तो ये जब पहले भी ऑपरेशन चल रहा था तब भी ये नहीं आए थे? नहीं, ये पहले भी नहीं आए थे। खबरें आई थी कि कोविड पॉजिटिव हो गए, रात को मुलाकात करने के लिए आ गए थे। बस क्या करें, ये पार्टी लीडरशिप को भी तो, खान साहब को भी तो सोचना चाहिए, फिर किन लोगों को दे रहे हैं? नहीं, खान साहब ने तो जाहिर बात है वो खड़े हुए उस वक्त जब खान साहब को जरूरत थी, इस वजह से उहदे दे दिए। लेकिन अगर अभी भी तो जरूरत थी खान साहब, अभी भी अगर वो शामिल है तो उनको भी चाहिए ना कि हम साथ खड़े हों, हम उनके साथ बात कर सकते हैं ना। जी मैडम, वो भी वर्कर है ना, किसी की आवाज़ देने के तरीके से तो यही कहती है किसी की आवाज़ ना दबाए, उनके उनका राइट है। आवाज़ ठीक है, लेकिन जिनको ऑन द ग्राउंड सब कुछ पता है ना, उनसे पूछे। हमारी उधर बैठी हुई जो टाइमली इधर सुबह 9 बजे से इधर बैठी, सब कुछ उनको पता है। उन्होंने सारा कुछ फेस किया, डंडे भी फेस किए, मार भी फेस किया, हमें भी पता है सब कुछ। लेकिन जो उन्होंने फेस किया ना, आप उनसे जाके पूछे। उनका कुछ गिला है ना कि इस लीडरशिप से, खान साहब से तो वो कुछ नहीं कह रहे? किसको गिला है? हमें तो नहीं गिला। जब तक जो हमारे लीडर ने फैसला किया है, हम अपने लीडर के फैसले के साथ है। हम लोग कोई भी गिला नहीं कर सकते जब तक हमारा लीडर हमारे साथ खड़ा है। तो आप अपने वर्कर को ही क्या अहमियत? नहीं नहीं, वर्कर की अहमियत है, वो वर्कर नहीं है। हमें नहीं पता, हम नहीं पता कर रहे हैं। वो वोटर और सपोर्टर हो सकती है, वो हमारी वर्कर नहीं है। हमने उसको कभी नहीं देखा, हमने इससे पहले उसको कभी नहीं देखा। हो सकता है कि वो मरिए ना, खान साहब की राजदा है, हो सकता है। मैं हर मौके पे होती हूँ, मैडम रुबीना से पूछे, मैं 25 मई को भी आपके तरीके इंसाफ के साथ हूं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। बंद करो, नहीं नहीं धक्का ना देना, नहीं प्लीज आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आप कैसे कह रही हैं कि मेरे पास ऐसे ना करें? मैं पूरा प्रूफ देती हूं कि मैं तब से 10 महीनों से खान साहब के साथ। मैडम मेरी बात सुनें, और आप कह रही आपके साथ 25 मई की तस्वीरें हैं मेरे साथ, आपके साथ मैं लॉन्ग मार्च में गई। मैंने कब कहा आपने? आप क्यों कह रहे हैं कि कोई होगा नहीं है? ये तो ना करें, अगर वो लॉन्ग मार्च पे भी जा रही हैं, इनकी याददाश्त कमजोर है, इनको मैं दिखाती हूं, इनके साथ मैं गई थी। तमाशे यहां पे नहीं लगा रही, यहां पे मैं हर उनका राइट है बात करने का, उनको मीडिया वालों को कह रही है कुछ भी नहीं है, इनको हम जानते नहीं, ये कहां से आ गई हैं? मेरे पास सारा प्रूफ है, एक एक दिन का प्रूफ है। जब शल खा रहे थे वहां पे, मैं भी शल खा रही थी, क्या कौन था बैठी थी इंतजार करके घर में बैठी थी? भाई माइक ना पीछे कर, उनका राइट है बोलने तो देना, ये तो कोई बात नहीं है। अगर वो बोल रही है नहीं, ये गलत बात, ये तो ज्यादती है, ये बात कर को ओन ना किया। क्यों नहीं हो मैं आते जा खान के लिए हूँ, खान साहब के साथ आप सब कुछ है हमारे लिए। मैं 7 फरवरी को खान को मिल के आई हूँ, डोर टू डोर कैंपेन की है मैंने। किस हल्के में कैंपेन की थी? टॉप 25 में मेरा नाम था। ये पीटीआई की वर्कर खातून और जिसको कोशिश की जा रही है कि वर्कर है, वो वर्कर है ना, ये तो हम कह रहे हैं वर्कर है, तो हम क्या कह रहे हैं? दीगर लोग कह रहे हैं वो वर्कर नहीं है। क्यों, हमने तो कोई ऐसा कुछ नहीं कहा। कलम ग्लोज कर रही है, जाती है, आज के एजेंडे पे रहे ना आप, आज का एजेंडा है, हमने तो कुछ नहीं कहा। अगर वर्कर बोल रहा है तो आप उसकी आवाज बंद कर, कोई बात नहीं, तो ना इंसाफी है। वर्कर सारे यहाँ, सारे वर्कर है, हम में से कोई भी एमपीए नहीं है, हम भी वर्कर्स हैं। आप लोग प्लीज।